हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्षा। कुकिंग सुकिंग विद अर्षा में आपका स्वागत है। चलिए किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम और 1 चम्मच तक काली मिर्च, 2 चम्मच खसखस और 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच तक मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिया है और थोड़ा सा खरबूजे का बीज, थोड़ा सा वाटरमेलन का सीड, दोनों को ले लिया है 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले रखी है, उसे मैंने पीस लिया है। 3 चम्मच इसमें ले लेंगे और इसे भीगने के लिए रख देंगे आधा घंटा तक। सारे मसालों को पीस के एक साथ में रख देंगे फ्रीजर में और जब हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले रखी है, इसमें 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। इसमें शक्कर डाल देंगे, ये 3 चम्मच शक्कर था। आप मीठे ही अपने हिसाब से डाल सकते हो। दूध में एक अच्छा सा उबाल आने तक वेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें उबाल आने लगा है, अच्छे से उबाल आ गई इसमें। गैस को अब मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, जैसे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। मैंने इलायची भिगोया नहीं था उसमें, ऐसे डायरेक्ट पाउडर डाल दिया है। आप चाहो तो इलायची भी उसमें पीस सकते हो। ये मैं थोड़ा सा केसर डाल दे रही हूँ इसमें, जो भिगो रखा था केसर उसमें भी पीस रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें डाला है। आप चाहो तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो कलर आने के लिए। यह 1/2 घंटा हो गया भिगो के, चलिए इसे पीस लेती हूँ मैं। इसका एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए मैंने बना लिया है और इसे इसमें डाल देंगे। जैसे कि हम ज़्यादा बना रहे हैं ज़्यादा दूध में, तो हम ज़्यादा डालेंगे। थोड़ा बना रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा डालेंगे। ये 2 ग्लास हम बना रहे हैं, इसलिए 3 चम्मच हमने डाल रखा है। पर इसे भिगोना बहुत ज़रूरी है, 1/2-1.5 घंटा भिगो देंगे तो बहुत अच्छा पतला सा स्मूथ बन जाएगा ये। और इसे मिक्स करके थोड़ा इसे हम पकाएंगे, जैसे इसमें कलर भी आ जाए और इसका टेस्ट भी एकदम अच्छा बन जाए। मिक्स करते इसलिए पका रही हूँ कि जैसे इसमें उबाल ना आ जाए ज़्यादा ज़ोर से और ये निकल ना जाए, नहीं तो नीचे जाके बैठ जाता है। चलिए मैं इसे डेकोरेट करती हूँ। इसमें पहले थोड़ा सा आइस डाल दूँगी, 3-4 क्यूब। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।